अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, दिस इज दी वन ऑफ द वेल नोन प्रोजेक्ट ऑफ कल्पतरु। कल्पतरु पार्क सिटी में हैं हम लोग, और इस प्रोजेक्ट में मैं आपको लेके चलूंगा, इस प्रोजेक्ट का टूर करवाऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। हेलो एवरीवन, मैं जयराम फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने चैनल अर्बन पिलर पर, आपके सपनों का घर आपके अपने शहर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में देखा आपने 538 स्क्वायर फीट के कार्पेट एरिया में 2 BHK का एक वेरिएंट। इस वीडियो में मैं आपको फिर से टूर कराऊंगा 2 BHK के दूसरे वेरिएंट में, जिसका कार्पेट एरिया है 828 स्क्वायर फीट का। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या डिफरेंट है पिछले वीडियो जो आपने देखा 2 BHK के वेरिएंट का, इस 2 BHK के वेरिएंट में। तो अभी हम लोग चलते हैं इस 2 BHK के सैंपल फ्लैट के अंदर। आप देख सकते हैं जो कि एक एक्चुअल फ्लैट है। जैसे ही आप एंटर करते हो इस 2 BHK में, आपको ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिख जाता है। वेल डिजाइंड, काफ़ी स्पेशियस है। इसकी कार्पेट एरिया जो है वो 210 स्क्वायर फीट का है। आप इस तरह से अपना लिविंग एंड डाइनिंग एरिया को डेकोरेट कर सकते हो बाय पुटिंग वॉल पेंटिंग्स, सोफा। आपको इसके साथ ये सन डेक दिख जाता है, जहाँ से आपको प्रॉपर लाइट एंड ओपन व्यू विद फ्रेश एयर मिलता रहता है आपके इस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। आपको ये स्पेस दिख जाता है जो आपके स्टोरेज के लिए यूज हो सकता है। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, आपको आपका ये किचन एरिया दिख जाता है, जो कि पैरेलल शेप्ड किचन है। आप देख सकते हैं सामने ही आपका यूटिलिटी एरिया आ जाता है, जहां पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। वेल डिजाइंड स्टेनलेस स्टील सिंक आपको मिल जाता है, एंड ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ विथ वेल हाइट, लगभग 10 फीट की हाइट मिल जाती है बाकी एरिया की तरह इस 2 BHK में। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया और किचन का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले वीडियो में जो आपने 2 BHK के वेरिएंट देखे थे उससे डिफरेंट है। यहाँ पर आपको किचन जो मिलता है वो सेपरेट मिलता है, जबकि पिछले वीडियो में आपको जो किचन मिला था वो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के पास ही मिला था। तो अभी हम लोग चलते हैं इस मास्टर बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के सामने ही आपका ये मास्टर बेडरूम है। वेल डिजाइंड स्टाइलिस्ट ये आपका मास्टर बेडरूम है विथ 150 स्क्वायर फीट के कार्पेट एरिया के साथ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से इस स्पेस का यूज़ किया गया है। तो आप इस तरह का डिज़ाइन अपने इस मास्टर बेडरूम को दे सकते हैं। यहाँ से आपको प्रॉपर व्यू मिल जाता है आपके इस विंडो से। यू गेट ऑल्सो फ्रेश एयर एंड लाइट। तो आप इस तरह का फर्नीचर का यूज़ कर सकते हैं। बेड के सामने ही आप चाहे तो स्टडी टेबल रख सकते हैं। इतने सारे फर्नीचर्स यूज़ करने के बावजूद भी ये आपको काफ़ी स्पेशियस लगेगा। इस तरह से वॉल पेंटिंग्स का भी आप जस्ट बेड के सामने डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये आपका मास्टर बेडरूम है, और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा अटैच्ड वॉशरूम जो इस मास्टर बेडरूम के साथ होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक इस मास्टर बेडरूम का आपको मिल जाता है अगर आप इस तरह से डेकोरेट करते हैं। तो इसके सामने ही आपका वॉशरूम है विद प्रॉपर सैनिटरी फिटिंग्स एंड दिस शावर एरिया विद दिस शावर ग्लास फिटेड इनटू इट। वेट्रीफाइड टाइल्स यूज़ किए गए हैं, डाडो टाइल्स ऑन इट्स वॉल विद ऑल दिस सैनिटरी फिटिंग्स एंड वॉश बेसिन। आपका ये वॉशरूम है। तो अभी हम लोग चलते हैं इस फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो आपके वॉशरूम एरिया के सामने ही है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम विद 110 स्क्वायर फीट के कार्पेट एरिया के साथ। वेल डिजाइंड ये आपका फर्स्ट बेडरूम विद दिस विंडो फॉर वेंटिलेशन। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी स्पेशियस है एंड वेल डिजाइंड भी है। आपको ये स्पेस मिल जाता है वार्डरोब के लिए। तो इस तरह से आप अपने फर्स्ट बेडरूम को भी डिज़ाइन दे सकते हैं।
आप इस तरह से सोफा लगा सकते हैं, वॉल पेंटिंग्स भी रख सकते हैं इस बेडरूम में, एंड इट विल लुक मोर स्टाइलिश। आप देख सकते हैं इसमें सेकंड वेंटिलेशन के लिए भी आपको प्रोविजन दिया जाता है। इसके साथ ही आपको ये आपका कॉमन वॉशरूम दिख जाएगा जो इस बेडरूम के सामने ही है। ये आपका कॉमन वॉशरूम है विद अगेन प्रॉपर सैनिटरी फिटिंग्स, ग्रेनाइट काउंटर टॉप विद दिस वॉश बेसिन, आप देख सकते हैं विद दिस शावर एरिया एंड दिस शावर ग्लास फिटेड इनटू इट, विंडो फॉर वेंटिलेशन एंड अगेन डाडो टाइल्स ऑन द वॉल्स एंड वेट्रीफाइड टाइल्स ऑन इट्स फ्लोर। तो ये आपका अट्रैक्टिव वॉशरूम था। तो ये आपका 2 BHK के सैम्पल फ्लैट का टूर हमने आपको कराया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।